ये क्लास 11th का एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये रिलेटेड टॉपिक नहीं है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बना है, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ, आप देख पा रहे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। आपने क्या किया, मिड पॉइंट ले लिए एक्स जिसको कहते हैं, 0 और 5 को ऐड किया, 0 और 5 को ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 0 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, 0 और 5 को ऐड किया उसको 2 से डिवाइड किया तो 2.5, 5 और 10 को ऐड किया उसको 2 से डिवाइड किया 7.5, और इसी तरीके से ये सारा सीरीज आ गया है 5-5 का गैप रख करके। अब हमने इसमें क्या किया है कि जो मीन निकालने टाइम स्टेप डिवीजन मेथड में करते हैं उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने इसको ए मान लिया। अब इसे डेविएशन ले ले रहे हैं, तो 2.5 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो -15, 7.5 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो -10, 12.5 में से इसको माइनस करेंगे तो -5, 17.5 में से 17.5 गया तो 0, 22.5 में से 17.5 गया तो 5, 27.5 में से 17.5 गया तो 10, उसी तरीके से 32.5 में से 17.5 गया तो 15, 37.5 में से 17.5 गया तो 20। क्लियर। अब जो आपके पास डी आ गया तो आप क्या कर लीजिए, डी डैश निकाल लीजिए। डी डैश में क्या करते हैं, डी को यहाँ जो गैप होता है एच से या आई से डिवाइड करते हैं। तो ये गैप कितने का है, 5 का, उसे डिवाइड कर दिया तो -3, 10 को -10 को 5 से डिवाइड किया तो -2, -1, इस तरीके से लिख लिया। फिर डी डैश का स्क्वायर निकाल लिया, -3 का स्क्वायर तो 9, -2 का स्क्वायर तो 4, -1 का स्क्वायर तो 1, 0 का स्क्वायर तो 0, 1 का तो 1, 2 का तो 4, 3 का तो 9, 4 का 16। फिर क्या कर लिया, f यानी फ्रीक्वेंसी उसको डी डैश के साथ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -10, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7, 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21, इसी तरीके से 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, एंड सो ऑन। और इसका पूरा समेशन निकाल लिया तो 66। फ्रीक्वेंसी का समेशन हम पहले ही निकाल रखे हैं। फिर क्या किया, डी डैश का स्क्वायर ले लिया, तो डी डैश का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है। फिर क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी को डी डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसका समेशन ले लिया जो कि आ गया आपका 250। अगर आपको मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा मीन का फॉर्मूला, इसमें आप डाल लीजिए मीन आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू एच। तो सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर कितना है आप देख रहे हैं, 250, और उसके नीचे में सिग्मा एफ फ्रिक्वेंसी का समीशन कितना है, 75, वो ले लिया। फिर -66 बाई 75 उसका स्क्वायर इंटू 5। कैलकुलेशन आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने दिखाया है कि 250 को 75 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और जो नेक्स्ट है 66 को अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो 66 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वो भी मैंने बता रखा है, 22/25 आता है, उसको डिवाइड करने से 0.88 आता है। तो 0.88 का स्क्वायर कर लेने से ये आ गया। फिर इसमें से उसको माइनस कर दिया तो 2.5556 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5। अब इसका रूट निकालेंगे तो वो 1.58 या 1.6 के आसपास हो गया। ये 1.6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 7.80 आपका आंसर होगा, और इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। थैंक यू।